क्या वो ऑप्शन अभी सही रहेगा, क्योंकि पांचवा स्टेज और इतने कम फर्स्ट स्टेज में आप ज्यादा लंबे समय तक जा नहीं पाओगे। मान्या की बात करें, डार्क लॉर्ड को डाउन करने में कामयाबी प्राप्त होगी, ग्रेनेड का उपयोग किया जा रहा है, बीच में ये रिवर है, आप नॉक भी करेंगे तो स्लैमिंग करना इतना आसान होगा नहीं, बट डेफिनेटली आइकू सोलूस का विकल्प ढूंढेंगे। मल्टीपल ग्रेनेड्स यहाँ पे किए जा रहे हैं, डार्क लॉर्ड की बात करें यहाँ पे समाप्त किया जाएगा उन्हें, क्या जरूरत है स्विम करने का जब ग्रेनेड ही काफी है इनके लिए। देखिए माने यहाँ पर मौजूद है, आपने सही कहा कि वहां पे वो ग्रेनेड करके नॉक निकाल सकते हैं, और जो बाकी के तीन प्लेयर्स है वो राइट साइड में है, तो अगर वहां पे नॉक निकलते हैं तो वैल्यू एडिशन हो सकता है, वो तीन प्लेयर्स पुशिंग कर सकते हैं और शायद इसीलिए वहां पे ग्रेनेड्स का जो इस्तेमाल है वो किया जा रहा है। अभी हर तरफ से घेराबंदी करने की कोशिश है, टीम ब्लाइंड ने एक फाइट बहुत बढ़िया तरीके से निकाली, कार्निवल गेमिंग को एलिमिनेट किया, बट अब चुनौती है आईकू सोल की, और हम सब जानते हैं कि सैनहॉक का मैप काफी बेहतर तरीके से खेलते हैं, बट आप देखिए काउंटर अटैक कितना बेहतर तरीके से किया जा रहा है। पीछे खिलाड़ी मौजूद है, ब्लाइंड के स्किप्स ही वो रहने वाले, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जी नहीं, ऑपोजिट साइड में एक खिलाड़ी मौजूद है जो हम मिनी मैप पे देख सकते हैं, और वो एक सरप्राइज एंट्री जरूर दे सकते हैं आईकू सोल के ऊपर, आदि है वो इनफैक्ट, बस देखना ये कि क्या ओपन में वो पकड़ पाएंगे किसी खिलाड़ी को। वही स्किप्स की बात करें, वो शॉट ले रहे हैं, आदि का पीओवी मैं जरूर देखना चाहता हूँ कि वहां से आखिर वो क्या देख पा रहे हैं और क्या उनको दिख रहे हैं आईकू सोल के खिलाड़ी। काफी अच्छी कोशिश थी, लेकिन 12वें स्थान पे उनका खात्मा होता हुआ, 4 टोटल फिनिश निकाले जा चुके हैं। सर्कल के अंदर की तरफ रहने वाला, बहुत ही स्ट्रॉन्ग साबित होने वाले यहाँ पे आईकू सोल, लेकिन डिपेंड करेगा क्या वो स्ट्रैटेजी यहाँ पे कारगर साबित होने वाली, क्योंकि मल्टीपल टीमें अलग अलग जगह से आने वाली, टीम तमिलास के ऊपर वो स्प्रे जाता हुआ, नकुल का कनेक्शन कुछ हद तक ले नॉक करने के लिए काफी नहीं। जी हाँ, अभी के लिए स्प्लिट बहुत ही ज्यादा बढ़िया लग रहा है और अग्रेसिव स्प्लिट भी है, फाइट्स भी ले रहे हैं, ऐसा नहीं है कि वहां पे अपनी पोजीशन को रिवील आउट कर नहीं रही, और दोनों तरफ जो फाइट्स है वो ली जा रही है। जॉनथन का एक ग्रेनेड वहां पे फॉक्स को डाउन किया जाएगा, मैंटी को भी फिनिश ऑफ किया गया है, पावर वो मैक को डाउन करते हुए नजर आएंगे, रॉनी वहां पे मिस्टर आईजील को डाउन करेंगे, मैक की बात करें उनको फिनिश ऑफ किया गया, बट अभी के लिए आईकू सोल वो ऑलरेडी 7 फिनिशेस निकाल चुके, लेकिन अब ये चैलेंज आएगा। देखिए जब आप अलग अलग रहते हैं और 4 खिलाड़ी आपके ऊपर वार करते हैं तो दिक्कतें आपकी बढ़ सकती है। गुजरात टाइगर्स वो थोड़ा क्लोज इन करना चाहते हैं, बट पीछे से वो कवर फायर्स भी आ सकते हैं, देखना ये कि क्या बेहतर ग्रेनेड का इस्तेमाल किया जा सकता है एक ओपनिंग नॉक की तलाश में गुजरात टाइगर्स। वही आईकू सोल वो अभी भी सर्कल के अंदर उस पेड़ को टारगेट करके आप देखिए वो ग्रेनेड का इस्तेमाल किया गया, कनेक्शन बनाया तो मान्या को प्रॉब्लम हो सकता है, स्प्लैश डैमेज के साथ वो शुरुआत हो गई, एक और ग्रेनेड मान्या के ऊपर यहाँ पे थ्रो किया गया, फिर से आप देखिए वो स्प्लैश डैमेज आता हुआ, जिसके कारण अब ग्रेनेड इनके पास नहीं है तो उपयोग करेंगे नहीं, और जो प्लेयर थोड़ा पीछे खेल रहे थे वो भी अब सर्कल की तरफ आएंगे, क्योंकि अगला शिफ्ट एक सेंट्रल है और वो दो जोड़ी सर्कल के अंदर, जो जोड़ी सर्कल के बाहर एक साथ अब होंगे, उस सदर्न आइलैंड का पूरा पूरा कंट्रोल बनाया जाएगा, क्लच गॉड को वहां पे डाउन किया जाएगा मान्या की तरफ से। आईकू सोल एक अलग ही अवतार में इस मुकाबले में देखने को मिल रहे हैं, 8 टोटल फिनिश निकाले जा चुके हैं और सर्कल का बेहतरीन कंट्रोल। आई मीन जस्ट लुक एट द सिनर्जी ऑफ आईकू सोल, वो अभी तक एक स्प्लिट में थे, वो वापस से एकजुट हो चुके, उन्होंने अपना एक भी खिलाड़ी नहीं गवाया। वही दूसरी तरफ टीम एक्स पार्क वो बेहतर प्रदर्शन दिखाएंगे, जॉनथन को वहां पे डाउन किया गया, गुजरात टाइगर्स के एमजे का स्प्रे आएगा, एस पावर को टेक डाउन किया गया, बट रिटेलिएशन वो भी बहुत बेहतर, एमजे की पोजिशनिंग बहुत बढ़िया है। टीम गॉडलाइक की बात करें वो एक आखिरी खिलाड़ी के साथ बचे हुए हैं, चेली द आईजीएल कितनी देर तक वो सर्वाइव कर पाएंगे, अभी भी 16 मीटर उनको सर्कल के अंदर जाना है और बिल्कुल आगे का रास्ता खाली है, स्मोक का इस्तेमाल वो कर जरूर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ आईकू सोल की जो चुनौती है वो बढ़ाई जाएगी, शैडो को वहां पे टेक डाउन किया जाएगा नकुल के द्वारा, मान्या के वो फिनिश सिक्योर करेंगे जेली, और अभी भी आप कह सकते हैं कि पलड़ा थोड़ा सा भारी टीम आईकू सोल का। जी हाँ, उनके पास वो नंबर हमें देखने को मिल जाएंगे, लेकिन कुल मिला के वो हाइट का एडवांटेज गुजरात टाइगर के पास अभी तक, और गुजरात टाइगर के एक खिलाड़ी के पास वो सर्कल का एडवांटेज अब जाता हुआ, आईकू सोल को भी यहाँ से आगे जाने की बारी रहेगी, लेकिन अच्छी बात एस पावर को यहाँ पे रिवाइवल मिल चुका है, रिस्टोर करेंगे अपने हेल्थ और उसके बाद ये चढ़ाई चढ़ेंगे उस विजेता की तरह, क्या वो बहुत कामयाब हो पाएंगे। गुजरात टाइगर को इस मुकाबले से बाहर कर दिया गया है, 3 टीमें शेष, खैर एक खिलाड़ी उनके अभी भी बचे हुए जो कि एमजे रहेंगे, 3 टीमों के बीच में मुकाबला अभी भी। जी हाँ, एमजे की पोजिशनिंग है तो बहुत ही ज्यादा बेहतर, बस देखना ये कि क्या उनको स्पॉट किया जाएगा। एमजे वो डीबीएस का इस्तेमाल कर रहे थे लेकिन उनको भी इंस्टेंटली शट डाउन किया जाएगा, और इसी के साथ टीम आईकू सोल वो लेकर के जाते हुए